हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के चौथे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है प्रभाषणीय अध्याय। प्रभाषण का अर्थ क्या होता है? पढ़े हुए शास्त्र का विशेष ध्यान अर्थ अनुसंधान पूर्वक जो व्याख्यान किया जाता है, उसे कहते हैं प्रभाषण। यानी हमने किसी भी शास्त्र को पढ़ा और उस शास्त्र को हमने इम्प्लीमेंट किया हमारे प्रैक्टिस में, उसको हम कहते हैं प्रभाषण। और इसके लिए ही सिर्फ एक ही छोटा सा अध्याय है, जिसमें एक श्लोक आया है जो आपसे एग्जाम में डाल के रेफरेंस पूछ सकता है कि ये कहाँ आया है। ठीक है, ये श्लोक है कि यथा खरस्य चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य, इव ही शास्त्राणि बहुदीत्य अर्थेषु मूढ़ा खर वहन्ति। यानी इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को वहन करने वाला गधा, यानी चंदन की लकड़ी का वहन करता है ना जो गधा, उसे सिर्फ भार का ज्ञान होता है, लेकिन चंदन की सुगंध और उसके जो गुण होते हैं उसका उसे कोई ज्ञान नहीं होता। वैसे ही अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लेने वाले, किंतु उन शास्त्रों के अर्थ को, मतलब कि जो मूल पुरुष होते हैं, गधों की तरह ही ग्रंथाकार होते हैं। यानी बार बार पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसके अर्थ को समझ नहीं पाते। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आजकल में रटाफिकेशन, है ना, सिर्फ पढ़ लिया, उसका मतलब क्या है क्या नहीं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उसी उनके लिए ही आचार्य सुश्रुत ने बताया कि वो गधे के समान है। जो गधा चंदन के सिर्फ भार को समझता है, उसके गुणों को उससे कोई मतलब नहीं होता, वो उसे सिर्फ भार ही समझता है। और इस अध्याय में सिर्फ एक श्लोक और इम्पोर्टेंट बताया है कि शास्त्रस्य गुरु मुखम उदीर्णम आदम पश्चाचास्कृतम यह कर्मम कुरुते वेदम स वेद अन्य तु तस्करा। यानी क्या अर्थ है कि गुरु के मुख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर या अनेक बार उनको ग्रंथात्मक और क्रियात्मक अभ्यास करके जो चिकित्सा रूपी कार्य करता है वही वैद्य है, इसके विपरीत सब तस्कर है। तस्कर यानी सब चोर है। यानी जो गुरु के से या अपने ग्रंथ से क्रियात्मक से उनका प्रयोग करता है, जो हमने पढ़ा है हमारी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करेंगे, वही एक वैद्य है, बाकी सब चोर है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है इस अध्याय में कि शल्य तंत्र के मूल चार बताए हैं, जो कि प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि पोषनेव और पोषकलावृत करवीर्य सुश्रुत ये सब शिष्य थे, ठीक है, धन्वंतरी जी के। उनमें से जो चार हैं वो शल्य तंत्र के मूल कहे हैं इस अध्याय में। वो कौन कौन से हैं? वो है उपधनेव, ओभ्रव, सुश्रुत और पोषकलावृत। ठीक है, इन चारों को शल्य तंत्र के मूल कहा गया है। तो इस अध्याय में क्या था? प्रभाषण यानी पढ़े हुए शास्त्र का विशेष ध्यान अर्थानुसंधान पूर्वक, यानी जो पढ़ा हुआ शास्त्र है उनको प्रैक्टिस में यूज करना प्रभाषण है। और जो मतलब कि इस शास्त्र को खाली पढ़ लेता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो सिर्फ जो जैसे गधे के समान है, जो कि चंदन के भार तो समझता लेकिन उसके गुणों को महत्व को नहीं समझता। ठीक है, और शल्य तंत्र के मूल बताए हैं कि उपधनेव, ओभ्र, ठीक है, और पोषकलावृत और सुश्रुत, इन चारों आचार्य को शल्य तंत्र के मूल कहा है। तो इस प्रकार हमने देखा सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का फोर्थ अध्याय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।